ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चर्चा कर रहे हैं राहुल बने प्रधान की। जी हां, दागियों के अध्यादेश पर मचे राजनीतिक घमासान में एक चीज साफ हो गई कि कांग्रेस पर फिलहाल यदि किसी का एकाधिकार है तो वो है राहुल। वो पहले से युवराज तो थे ही, लेकिन 2014 चुनाव के मद्देनजर अब वो महाराज बनकर उभर आए हैं। ...2014 के चुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित कर पहली बाजी तो मार ली, लेकिन कांग्रेस में भी लगभग पक्का हो गया कि पूरी पार्टी राहुल के ही पीछे खड़ी होगी। राहुल भी इसे बखूबी समझ रहे हैं। तभी उन्होंने दागियों के अध्यादेश पर बगावती तेवर अपनाए और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई दी। युवराज के मास्टर स्ट्रोक का तुरंत असर हुआ। प्रधानमंत्री ने अमेरिका से बयान जारी किया, भारत की जमीन पर कदम रखते ही वे राहुल के लिए ही सफाई देते नजर आए। राहुल जी ने जो बात कही है उसका संज्ञान लेते हुए वो अपने बाकी मंत्रियों से इस पर चर्चा करेंगे, तो देखते हैं। आशा तो हम करते हैं कि राहुल जी की बात को जब उन्होंने कहा है कि संज्ञान में लेंगे तो उस बात को जरूर सीरियसली कैबिनेट जो है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा तो ये भी है कि आज सुबह जब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की 25 मिनट तक मुलाकात हुई तो उसमें 20 मिनट तक राहुल ही बोलते रहे। पहले भी पार्टी में राहुल की खूब चलती रही है। राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया के तहत चयन को मंजूरी दी थी, जो लाख विरोध के बावजूद अब भी चल रही है। राहुल गठबंधन की सरकार को भी देश के लिए खतरा मानते हैं। हाल ही में राहुल ने एनसीपी के जरूरत न होने की बात कही थी। इसके अलावा लैंड सिक्योरिटी बिल की बात हो या फिर लोकपाल की, 42 साल के राहुल जब बोलते हैं तो पार्टी उनके पीछे खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस इंडिया। जी, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो पार्टी उनके साथ या उनके पीछे खड़ी जरूर नजर आती है। सतीश, एक बात बताइए, अब जिस राहुल गांधी की छवि आप देख रहे हैं और उसकी टाइमिंग पर भी मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, लोग और राजनीति के जानकार टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, टाइमिंग उनका परफेक्ट है, क्योंकि देखिए मनमोहन सिंह जो हैं जी, अब कोई भी कहे कि अगले साल अगर वो चुने भी जाए, पार्टी कांग्रेस आती है, तो शायद वो प्रधानमंत्री न रहे, उम्र भी हो चुकी है और शायद अब उनके पारी अब समाप्ति की ओर आ रही है, ऐसा लगता है। तो कांग्रेश को एक नेता चाहिए था, जैसा उर्मिलेश जी कह रहे थे, और इन राहुल की, राहुल गांधी को समझिए ज़रा, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार मैं कह रहा हूँ, एक समाजवादी टाइप के छवि जो हैं वो देना चाहते हैं, नेहरूवियन समाजवाद जो था उसकी तरह से, कहीं गाँव में रह जाना, रात भर रह जाना, खाना खा लेना, लोकल में सफ़र कर लेना मुंबई में, फिर भट्टा परसौल से में चले जाना, इस तरह की छवि प्रस्तुत करते, वास्तविकता वो अलग चीज़ है। और फिर आप देखिए कि हाल के दिनों में जो भूमि अधिग्रहण का जो मसला रहा, चाहे वो राइट टू फूड का रहा, चाहे वो कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र का रहा, तो इस मामले में ऐसा लगता है कि जो राहुल वाला जो कांग्रेस है और जो उनके हाथ में एकाधिकार आने की संभावना है, जो आ भी रही है, आ भी गई है, जिस तरह से उनकी चली है पिछले 3 दिन में, तो ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों के आधार पर वो अपनी छवि बनाकर लोगों तक जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को अकेले बलबूते लाना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि राहुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, राहुल के पॉलिटिक्स का ये कंटेंट है, ये जो मुझे नज़र आ रहा है। और वो बार बार कहते भी रहे कि भाई नेता जो है गांव नहीं जाता, नेता जो है टिकट बेच देता है, कार्यकर्ता प्रधान पार्टी होनी चाहिए, तो वो कांग्रेस के रिसर्जेंस या कांग्रेस को अपने बलबूते बढ़ाना चाहते हैं, ये बिल्कुल एकदम से साफ है। और जयपुर में जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया था जब उनकी ताजपोशी हुई थी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उससे भी ये बातें झलकती हैं। तो इस ओर अपने
अपने बलबूते और अपनी चाहत या अपनी राह पर वो कांग्रेस को ले जाना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राहुल वाली कांग्रेस को हमने सतीश जी की जुबानी तो समझ लिया, लेकिन दो और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनकी जुबान भी समझेंगे कि राहुल की कांग्रेस आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि दागियों पर अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी के बगावती तेवर के बाद उठे सियासी तूफान को थामने की कोशिश खुद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कर रहे हैं। आप भी देखिए कैसे दोनों के सुर बदले और अध्यादेश को बकवास फाड़कर फेंक देना चाहिए, ये राहुल गांधी ने बयान दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, ये भी राहुल गांधी जब आज उनसे मिले तो उन्होंने ये बयान दिया। मुझे नहीं पता राहुल ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वापस लौटने से पहले का बयान, उसके बाद इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता, ये भी बयान, फिर लौट कर करेंगे राहुल से बात और बदला जा सकता है, एक और बात ये सामने आई यहाँ पर, और दो बार हो चुकी है कैबिनेट में चर्चा, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से भी कही गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कैबिनेट में इस बात को रखा जाएगा। जी यहाँ पर जिस तरीके से बात सामने आई राहुल की कांग्रेस, हमने सतीश जी से समझा, अशोक जी आपसे, अजय जी आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर राहुल की कांग्रेस किस तरह की तस्वीर गढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए ये तो जैसा कि अभी उनके पास जो पद है वो पार्टी का ही पद है, आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संविधान में उपाध्यक्ष पद मेंशन नहीं है, उसमें स्थान नहीं उपाध्यक्ष पद का, लेकिन वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और पार्टी ने ही उनको नियुक्त किया है। तो अगर पार्टी ने नियुक्त किया इसका मतलब कि उनको कुछ मानद स्थान दिया है, उनको कुछ ऐसा स्थान दिया है जहाँ से कि वो अध्यक्ष के नाम पर बाकी सारी सत्ता का वो उपयोग कर सकें और पार्टी को चला सकें जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो दिखाई भी पड़ रहा है कि एक तरफ कैबिनेट एक फैसला करती है, उस कैबिनेट में केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं है बल्कि बाकी अन्य पार्टियों के मंत्री भी शामिल हैं, और उसके अलावा कांग्रेस की कोर कमेटी है जिसने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया था। तो यदि इतने सब लोगों ने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया और राहुल गांधी के एक बहुत ही आक्रामक ढंग से दिए गए बयान के बाद वो पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस वापस हो गया, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आखिर राहुल गांधी की हैसियत कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के बाहर क्या है। तो उन्होंने तो अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर ली है, इस पर दो राय नहीं है, कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर ली है और कांग्रेस के बाहर भी अब वो दिखा रहे हैं, जनता को भी दिखा रहे हैं कि अब हम एक नंबर एक लीडर की हैसियत पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है तो प्रधानमंत्री के सामने दो ही चारा था, एक कि वो चुनाव के पहले इस्तीफा दे दें, लेकिन उनके इस्तीफा देने से जिस तरह का संकट पैदा होता मुझे लगता है वो बड़ा संकट पैदा होता। ये भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले तीन दिनों में उससे कुछ काम किया है जिससे कि आज ठीक चुनाव के पहले ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर एक नया संकट देश के सामने खड़ा हो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि चुनाव के ठीक तीन महीने पहले कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, अभी हम लोगों ने इस ढंग से देखा नहीं। इंदर कुमार गुजराल ने जरूर इस्तीफा दिया था जिसके बाद चुनाव हुए थे, और चंद्रशेखर जी ने जब दिया था तब उस वक्त भी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट सी थी, आज की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल अलग सिचुएशन थी। तो ये संभव है कि मनमोहन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को एक गहरे संकट से बचाने में आज कुछ मदद की हो यदि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। वैसे उनके स्वभाव से भी ये साफ जाहिर है, पहले भी ऐसे कई मौके आए जब उन्हें इस्तीफा देने की स्थिति बन रही थी लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो मनमोहन सिंह का एक स्वभाव भी है, मुझे लगता है कि वो गैर राजनीतिक आदमी हैं, थे और आगे भी रहेंगे ऐसा समझ में आता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्षमता के मामले में हम ये देख सकते हैं कि जिस ढंग का कौशल एक प्रधानमंत्री के अंदर होना चाहिए ऐसा कहीं ना कहीं ऐसी कमी दिखाई पड़ती है जो झलकती है साफ साफ। लेकिन क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है ये भी दिखाई पड़ता है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज उनके पीछे। उर्मिलेश जी आपकी नजर से आप थोड़ा समझना चाहूंगा। नहीं मैं अजय जी की बात सुन रहा था तो मैं प्रधानमंत्री जी की वाकई बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही सम्मानित राजनेता है, लेकिन उनकी एक बड़ी दिलचस्प जो छवि या उनका जो मूल्यांकन हमारे देश के जो बौद्धिक समाज है उसमें होता रहता है, और मैं ऐसे कई लोगों को उनसे इंटरेक्ट मैंने किया है और सर मुझे भी कई बार महसूस होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो राजनेता हैं वो बहुत बड़ा शास्त्री मानते हैं, और जो बहुत बड़े शास्त्री हैं देश और दुनिया के
उनको बहुत ही समझदार, बहुत ही नपे तुले ढंग से काम करने वाला राजनेता मानते हैं। तो उनकी उनकी जो छवि है वो बहुत स्तरीय है, वो दोनों तरफ काफ़ी उनको जैसे उनके जो दाव उनके जो तरीके हैं राजनीति में काम करने के, क्योंकि देखिए वो कोई बड़े जनाधार के नेता नहीं है, वो लोकसभा से चुनकर नहीं आए हैं, वो कभी उन्होंने दावा नहीं किया कि वो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, वो संगठन के ओर से नॉमिनेटेड नेता हैं। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह की जो पूरी टैक्टिस है, जो उनकी उनके तौर तरीके जो अपने अपने पावर को एक्सरसाइज करने के हैं, वो अद्भुत हैं कुल मिलाकर। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर देखिए, आपको याद है, बिल्कुल बिल्कुल, मनमोहन सिंह के तरीके अपने आप में अलग हैं। लेकिन इस बीच अध्यादेश पर राहुल के बयान के बाद मचे हंगामे ने भले ही कांग्रेस और यूपीए सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हों, लेकिन एक हकीकत ये है कि अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं चल रही है, अब सिंह इज किंग नहीं रहे।